नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सीवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। विजय मंदिर में हर साल नाग पंचमी के मौके पर मेले का आयोजन होने के साथ साथ यहां मौजूद प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की जाती है। खास बात यह है कि हर साल की तरह इस बार भी ताले और शटर में बंद मूर्ति की पूजा अर्चना बाहर से की गई। ये स्थान लंबे समय से पुरातत्व विभाग के अधीन था, सिर्फ नाग पंचमी के दिन खोला जाता था। पंडित नंद किशोर शास्त्री सहित बड़ी संख्या में हिंदू धर्मावलंबी नाग पंचमी के दिन मंदिर पहुंचे। शाम के समय बंद ताले में पूजा अर्चना की गई। 370 देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी द्वारा कश्मीर से हटाने की बहुत बहुत बधाई। आज नाग पंचमी का पावन पर्व है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी सभी धर्मावली यहां पर विजय मंदिर में पूजन अर्चना के लिए इकट्ठे हुए हैं और सभी की भावना ये रहती है कि ये मंदिर, विजय मंदिर स्पष्ट रूप से, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से भी दिखता है कि ये मंदिर है। और जहाँ जिस प्रकार से उस समय तत्कालीन जो भी परिस्थिति रही हो, यहाँ पर नमाज पढ़ने की अनुमति उस समय शासन ने दी थी और उसके बाद में शासन ने ही ईदगाह की ज़मीन देकर यहाँ से विवाद समाप्त किया था। और विवाद समाप्त होने के बाद तो स्पष्ट रूप से ये मंदिर को ये जगह मिलना थी, मगर उस समय नहीं मिली। हम लोग हमेशा ही ये मांग करते आए हैं कि विजय मंदिर मुक्त होना चाहिए। इस समय से लगभग 75 साल होने को आए, मैं अपने जीवन में प्रारंभ से देख रहा हूँ। 75 वर्ष हो गए लगभग लड़ते लड़ते, और सभी पार्टी के नेता यहाँ आए और इस विजय मंदिर के नाम पर राजनीति करके न जाने कौन से बड़े बड़े पदों पर पहुँच गए, परंतु यहाँ से पदों पर पहुँचने के बाद वो भूल गए कि हम विजय मंदिर से आगे बढ़े थे। जैसे कि कोई बालक जिसको पिता आगे पढ़ाए लिखाए बड़ा करे और शादी हो जाने के बाद वो बाप में लात मार दे, ऐसे नेताओं ने ये किया, विजय मंदिर की उपेक्षा कर दी। आज मैं मोदी के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसलिए कि उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी कि 370 का कोई मतलब नहीं है, खत्म होगी 370, उन्होंने खत्म कर दी। हमारे नेता भी ये चाहते तो विजय मंदिर को कभी भी हिंदुओं को सौंप सकते थे, लेकिन विवाद नेताओं ने बना के रखा है, जनता ने बना के नहीं रखा। ब्यूरो चीफ विजय विद्रोही की रिपोर्ट।